क्या आप जानते हैं, आप जिस पोटैटो चिप्स के पैकेट को खरीदकर शौक से खाते हैं वो आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको हर गली नुक्कड़ से लेकर एयरपोर्ट और मॉल्स में पैकेट में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से जुड़े ऐसे राज बताने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आप उन्हें खाने से पहले दो बार जरूर सोचेंगे। दोस्तों, इस पूरे खेल को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। Factified, facts on your face. दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो चिप्स ऑफर होने पर मना कर दे। लेज हो, अंकल चिप्स हो या फिर कोई और, आप बिना इनके पैकेट्स पर इंग्रेडिएंट्स को पढ़े ही चिप्स खाने लगते हैं। ज्यादातर प्लेन चिप्स में इंग्रेडिएंट्स नॉर्मल ही रहते हैं, बट जब चीज और क्रीम जैसे फ्लेवर चिप्स की बात आती है तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप चिप्स के इन पैकेट्स को गौर से देखेंगे तो आपको इनके पैकेट पर एमएसजी लिखा मिलेगा। ये एमएसजी मैसेंजर ऑफ गॉड राम रहीम वाला नहीं है, बल्कि ये है मोनोसोडियम एल ग्लूटामेट मोनोहाइड्रेट, और ये कुछ ऐसा है जो इन चिप्स का स्वाद तो बढ़ाता है लेकिन आपको बीमार भी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते भी हैं ये एमएसजी क्या है, किससे बनता है और इसके क्या क्या नुकसान हैं? आइए हम बताते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट की खोज 1908 में जापानी साइंटिस्ट किकुने इकेडा ने की थी। ये जानकर आपको बेशक हैरानी होगी कि पैकेज्ड खानों में इस्तेमाल होने वाला एमएसजी सुअर की चर्बी से बनता है। जी हाँ, हालांकि इसे मक्का स्टार्च और गन्नों को फर्मेंट करके भी कमर्शियली बनाया जाता है, लेकिन मुनाफे के चक्कर में कंपनीज मीट इंडस्ट्री से वेस्ट के रूप में आई सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करती हैं। एमएसजी का इस्तेमाल सभी खानों का स्वाद नहीं बढ़ाता। इसे पोल्ट्री, सी फूड, मीट और सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूटामेट हमारे शरीर में प्राकृतिक तौर पर भी बनता है और ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी भी है, लेकिन हमारी बॉडी नेचुरल ग्लूटामेट्स और आर्टिफिशियल ग्लूटामेट्स में फर्क नहीं कर पाती। पश्चिमी देशों में एमएसजी की डेली इंटेक 300 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक पाई गई है। यहाँ रहने वाले लोगों में सरदर्द, चक्कर आना, पेट खराब होना और ऊपरी हिस्से पर जलन होने के कई केसेस एमएसजी के कारण ही पाए गए हैं। 1995 में श्रेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक के 15% से भी ज्यादा केसेस में खाने में मिलने वाला एमएसजी ही मुख्य कारण पाया गया था। अमेरिका और दूसरे विकसित देशों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो एक टेस्ट इनहेंसिंग इंग्रेडिएंट है, पर बहस छिड़ चुकी है, जिस वजह से वहां की कंपनीज ने इस इंग्रेडिएंट का अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल काफी कम भी कर दिया है। लेकिन हिंदुस्तान को ये सब समझने में अभी वक्त लगेगा। पाकिस्तान सहित कई देशों में एमएसजी को लेकर हंगामा भी हुआ था। उसके बाद कुछ देशों ने एमएसजी को बैन कर दिया था। बैन होने के बाद कंपनियां बड़े बड़े अक्षरों में लिखती थी नो एमएसजी, लेकिन ये कंपनियां बहुत चालाक होती हैं। उन देशों में इसी प्रोडक्ट के लिए एमएसजी की जगह E631 नाम का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन हमारा देश आज भी बेरोक टोक के स्वाद के नाम पर इस बीमारी को अपने खाने में खा रहा है। ये पदार्थ नूडल्स का स्वाद बढ़ाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। आज मल्टीनेशनल कंपनीज E631 के रूप में हमें चर्बी परोस रही हैं। जानकारी के लिए बता दें, सुअर में सभी जानवरों के मुकाबले ज्यादा फैट्स होते हैं। पहले मीट इंडस्ट्री से आने वाली चर्बी को जला दिया जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने दिमाग लगाया और इस चर्बी का इस्तेमाल साबुन वगैरह में करना शुरू किया। जब ये फॉर्मूला हिट होने लगा तो इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाने के लिए खाने की चीजों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा और इनके नाम ऐसे रखे गए कि इनकी पहचान करना ही मुश्किल हो। कंज्यूमर्स को सरेआम बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि टूथपेस्ट, च्युइंग गम, चॉकलेट, स्वीट्स, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट्स, सोया सॉस, अजीनोमोटो और सीजनिंग से लेकर कुछ मल्टीविटामिन गोलियों में भी सुअर की चर्बी से बनने वाले E631 का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हम सब इन चीजों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, फिर किया क्या जाए? हम वो भी बताते हैं। आप जो भी चिप्स, नूडल्स, टूथपेस्ट, च्युइंग या पैक्ड खाने की चीज लेते हैं, पहले उसके इंग्रेडिएंट्स देख लें। अगर इंग्रेडिएंट्स में कहीं भी आपको E631, E620 या MSG लिखा मिले तो समझ जाइए आपको इस प्रोडक्ट में वही मिलने वाला है जो आज हमने इस वीडियो में मिलकर देखा। E631 वाली चीजों को ना खाएं। रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। दोस्तों, हम तो आपको यही सलाह देंगे कि जितना हो सके घर पर बने स्नैक्स का ही सेवन करें, ना कि E631 वाली पैकेट में बंद इन चीजों का। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा।
जुड़े रहिए द मिस्टिका लैंड के साथ ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग अपने शरीर को होने वाले नुकसान से बचा सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।